हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो गाइस, आज ना ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हैं पक्का जो अमरूद है ना, ये अमरूद का सब्जी और रोटी। तो गाइस, ये जो अमरूद है ना, इसके साथ रोटी पराठा कुछ भी खाइए। और ये दो अमरूद पक गया था, मतलब थोड़ा ज़्यादा पक जाता है ना, तो वो ऐसे खाने में अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए सोचा कि इसका सब्जी बना लेते हैं, तो मसाला वसाला डाल के इसका सब्जी बना लेते हैं। तो रोटी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हो, तो ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है अमरुद का जब सब्जी बनाते हैं। और नॉर्मली पक्का अमरुद तो कोई नहीं खाता, बहुत ज़्यादा पक जाता है ना, तब अच्छा भी नहीं लगता कोई किसी को खाने में, तो सब्जी सब लोग खा लेते। तो सोचा इसीलिए आज ब्रेकफास्ट में ये पक्का अमरुद का सब्जी बनाते हैं। और बहुत सारा जैसे छत पे ना, छत थोड़ा सा गंदा हुआ था, जैसे बर्ड्स वगैरह ना थोड़ा गंदा कर दिया था, यहाँ पे देखिए कुछ गंदगी हुआ है, तो मैंने सोचा कि छत को थोड़ा सा झाड़ू लगा लेते हैं। तो यही बात है, एक्चुअली गंदा जब होता है ना तो झाड़ू लगाना पड़ता है, और ये बर्ड्स तो जैसे दाना खाते हैं ना, तो वो उसी दाना का ही गंदगी हो जाता है। तो फ़िलहाल नीचे आ गई हूँ और थोड़ा सा पोछा लगा लूँगी, क्योंकि आज पोछा लगाने के बाद ही आज बनाएंगे खाना। तो गाइस, आज खाने में बनेगा चिकन, और हम बंगाली लोग चिकन कैसे बनाते हैं आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि जैसे हल्का फुल्का मसाले में और आलू के साथ चिकन, तो बंगाली लोग आलू के साथ चिकन खाना क्यों पसंद करते हैं, ये तो आप लोगों को पता नहीं है। तो गाइस, फ़िलहाल पोछा लगा लेंगे, फिर उसके बाद हाँ, और थोड़ा सा साग भी बनाएंगे, वाटर स्पिनेज। तो फिलहाल हमारे यहाँ पे अभी पालक भी मिल रहा है, तो एक बार पालक भी खाए थे, और फिर आज ना वाटर स्पिनेज लाए थे, तो वाटर स्पिनेज आलू की सब्जी बना रही हूँ और चिकन। तो देखिए, चिकन का एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी हल्का फुल्का जैसे मसाले में आज बना रही हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल के ना थोड़ा सा आलू पहले डाल दूँगी, और इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के ना इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो बताएगा इस हम बंगाली लोग आलू क्यों चिकन में डालते हैं, क्योंकि जैसे एक होता है ना चिकन, हम लोग जब बनाते हैं तो हम लोग दो टाइम की सब्जी, मतलब दो टाइम का जो सब्जी बनता है ना, वो चिकन हो वो सब्जी हो, तो एक टाइम ही बनाते हैं और दो टाइम का एक साथ बना लेते हैं। और जैसे हम लोग आलू जब देते हैं तो चिकन थोड़ा सा कम लगता है, और सिर्फ चिकन बनाएंगे तो ज़्यादा चिकन, एक इंसान को दो तीन चिकन देना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से हम जब चिकन खाते हैं उसके साथ एक चिकन और दो आलू खा लेते हैं, तो उससे खाना खा सकते हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा नहीं तो चिकन ज़्यादा लगता है, तो चिकन एक टाइम ही ख़त्म हो जाता है। जैसे दोपहर को सिर्फ चिकन बनाएंगे ना, तो दोपहर को ही वो चिकन ख़त्म हो जाएगा, तो रात को क्या खाएंगे? तो हम लोगों को ना सोच समझ के खाना बनाना पड़ता है। तो मैंने आलू फ्राई कर लिया नमक हल्दी डाल के, फ़िलहाल तेल में गरम मसाला, साबुत गरम मसाला डाला, थोड़ा सा प्याज, एक तेज़पत्ता, अच्छी तरीके से धो के तेज़पत्ता को डाल दिया। तो प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फिर इसके ऊपर चिकन डाल देंगे। तो चिकन ना बहुत टाइप का चिकन का रेसिपी होता है, चिकन हर कोई बनाते हैं अपने स्टाइल से, और अलग अलग मतलब चिकन का बहुत ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी भी है। और जैसे ये मैं बना रही हूँ आलू से सिंपल, जैसे बंगाली लोग खाते हैं ऐसा। और ये जो मतलब बहुत ही इसका जो झोल होता है ना ग्रेवी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये टिप्स भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि इसमें आलू भी डालेंगे और इसका ग्रेवी इतना बढ़िया भी बनेगा कैसे। तो प्याज के साथ चिकन को अच्छी तरीके से थोड़ा सा फ्राई कर लिया, इसमें मैंने डाल दिया भर के पूरा एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ मसाला, तो यहाँ पे जीरा, धनिया, लाल मिर्च, कश्मीरी चिली, हल्दी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सब मैंने डाल दिया। और हाँ, ये जो जीरा और धनिया मैंने डाला ना पाउडर, ये ना भुना हुआ है, तो बाज़ार का मार्केट का जीरा धनिया नहीं है, घर पे ड्राई रोस्ट करके जो जीरा धनिया हम मैंने बनाया है ना, वही जीरा धनिया मैंने डाल दिया। और ना बाज़ार का मार्केट का जो जीरा धनिया पाउडर होता है ना, उसका स्वाद अलग होता है, और घर का भुना हुआ जीरा धनिया उसका स्वाद अलग होता है। तो गाइस, यहाँ पे कुछ मतलब हरा मिर्च मैंने डाल दिया, तीखे के लिए ना मैंने हरा मिर्च और थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने डाला है, क्योंकि यहाँ पे जो लाल मिर्च पाउडर है ना थोड़ा सा मैंने डाला, और कश्मीरी चिली थोड़ा सा डाला। तो गाइस, यहाँ पे ना
जैसे ज़्यादा मसाला भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। जैसे हम बंगाली लोग रेगुलर जैसे कुछ ना कुछ खाते हैं, तो ज़्यादा रेगुलर वाला जो चिकन है ना, ऐसे हफ्ते में एक दो बार ऐसे बना सकते हो और ऐसे खा भी सकते हो, क्योंकि इसमें मसाला भी कम है और इसमें ज़्यादा वो भी नहीं है कि। और हाँ, ज़्यादा चिकन खाना भी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा चिकन खाओ, थोड़ा सा आलू खाओ, दो टाइम का जैसे जो झंझट होता है ना खाना बनाने का, वो भी ख़त्म, गैस का भी बचत और पैसा भी, मतलब जैसे सोच के खाना पड़ता है। जैसे एक तो मिडिल क्लास फैमिली हम लोगों को सोच के खाना पड़ता है कि आज खाएंगे तो कल क्या खाएंगे ना, तो इसीलिए अगर दोपहर के लंच का चिंता करते हैं तो रात के डिनर का भी चिंता करना पड़ता है। तो गाइस देखिए, अच्छी तरीके से चिकन मसाले के साथ भूनने के बाद यहाँ पे मैंने डाला गर्म पानी। हाँ, ये जो गर्म पानी डालेंगे ना, तो इसी से ना चिकन का जो झोल है ना, मतलब ग्रेवी, इसका स्वाद बढ़ता है। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पे बंगाली लोग थोड़ा झोल खाते, क्योंकि हम लोग चावल के साथ खाते और चावल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, थोड़ा बहुत झोल रखना ज़रूरी है। और सूखा सूखा ड्राई चिकन बनाएंगे ना, तो इतना सा बनता है तो कौन खाएगा। तो एक जैसे मैंने बोला ना, एक टाइम पे ही ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए हम लोगों को सोचना पड़ता है दो टाइम का खाना। जैसे लंच, ब्रेकफास्ट आप कुछ भी खाएं, लंच और डिनर हम बंगालियों का मतलब वही हम लोग अच्छी तरीके से खाना खाते। कोई कोई तो ब्रेकफास्ट ही नहीं करता, कोई कोई सो के उठते हैं ना, उसके बाद जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, 1 बजे जाके जो दोपहर का लंच करते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं करता इसीलिए ना। और कोई कोई तो ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लोग थोड़ा लेट से खाते हैं, जैसे दोपहर का खाना खाते हैं मतलब 2:30-3 बज जाते हैं दोपहर का खाना, इतना लेट हो जाता है, तो क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, तो यही बात है। और जैसे हम लोगों का ना लंच और डिनर मतलब कुछ अच्छा खा ले यही होता है, और ब्रेकफास्ट कुछ भी हो, कल का बासी चावल भी हो जाए ना तो भी खा लेते। तो गाइस देखिए, बन चुका है, थोड़ा सा घर का ही भुना हुआ मतलब ड्राई रोस्ट किया गरम मसाला डाल दिया। ऐसे बनाएंगे तो चिकन टेस्टी भी बनता है और इसमें ना बहुत सारे लोग खा भी सकते हैं। आलू और चिकन मिक्स करके हर किसी के मतलब हिस्से में चिकन भी आएगा, आलू भी आएगा, अच्छी तरीके से लंच भी होगा, डिनर भी होगा, यही सोच के हम लोग खाना बनाते हैं और थोड़ा सा बचत करते हैं। आज खाएंगे तो कल क्या होगा, तो कल का भी तो चिंता करना पड़ेगा ना। सो गाइस, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं अगले दिन नया एक वीडियो लेके। बाय बाय।